السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلاس 7 ساينس کا آج جو ہم چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نیوٹریشن ان اینیملز. نیوٹریشن ان پلانٹس آپ نے پہلے ہی پڑھا, تو نیوٹریشن ان اینیملز ہم آج پڑھیں گے. اس کا پہلا پارٹ ہے, तो इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी आएगा या तीसरा पार्ट भी आएगा. तो ये जो पहला पार्ट है इसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो पढ़ा है, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स में आपने जो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है, तो आपने देखा कि प्लांट्स जो है वो अपना जो गज़ा है, अपना जो फूड है, वो सिंपल मटेरियल से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट. तो ये अपना गुज़ा जो है, फूड जो है, खुद बनाते हैं, इसलिए इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जानदार होते हैं जो अपना गज़ा, अपना फूड खुद तैयार करते हैं. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. तो आज के चैप्टर में हम एनिमल्स की बात करेंगे. एनिमल्स जो है वो अपना गज़ा कैसे खाते हैं और वो गज़ा क्या खुद बनाते हैं या कहीं और से लाते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में बात होगी. तो एनिमल्स जो है, जैसा कि हम देखते हैं कि एनिमल्स अगर गज़ा के लिए वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं या तो डायरेक्ट प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाते हैं, या कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं इन टर्न उन एनिमल्स को दूसरे जानवर खाते हैं. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स होते हैं वो अपना गज़ा प्लांट से हासिल करते हैं, ये खुद अपना गज़ा नहीं बना सकते, तो इसलिए इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड आउटसाइड, यानी हम आउटसाइड सोर्सेज से हासिल करते हैं, जो गज़ा दूसरे जानदारों से या प्लांट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हासिल करते हैं. तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं और एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक है. हर जानदार जो होता है उसको ज़रूरत होती है गज़ा की, फूड की ज़रूरत होती है. एनिमल्स को भी गज़ा की ज़रूरत होती है. तो ये गज़ा जो है, इस गज़ा से वो न्यूट्रंट्स हासिल करते हैं, और ये न्यूट्रंट्स जो होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने में, बढ़ने में और अपनी तादाद बढ़ाने में हेल्प करते हैं, काम आते हैं. ए न्यूट्रंट इज ए सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. यानी न्यूट्रंट एक ऐसी सब्सटेंस को हम कहेंगे जो एक जानदार को जिंदा रखने में मदद दे, बढ़ने में मदद दे और रिप्रोड्यूस होने में मदद दे, यानी अपनी आबादी बढ़ाने में मदद दे. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो भी जानदार होते हैं, हम एनिमल्स की भी बात इस चैप्टर में कर रहे हैं, इनको ये न्यूट्रंट्स जिन चीज़ों के लिए ज़रूरी होते हैं वो इस तरह से हैं. न्यूट्रंट्स जो होते हैं वो एक जानदार को एनर्जी देते हैं, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रंट्स. यानी एक जानदार जो होता है वो ताकत हासिल करता है न्यूट्रंट से,
ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए जो इसको मटेरियल चाहिए अंदर जिस्म में वो इन न्यूट्रंट से हासिल करता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये न्यूट्रंट्स उसको अपने जो बॉडी पार्ट्स, डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स हो, जो ख़राब हुए होंगे, उसमें जो अंग होंगे यानी पार्ट्स होंगे, हिस्से होंगे, उनको रिपेयर करने में मदद देते हैं। तो और ये जो ज़िंदगी की जो प्रोसेस है, ये ज़िंदगी यानी एक जानदार को जो ज़िंदा रख सकते हैं, जो जानदार जो अपने आप को ज़िंदा रख पाता है, वो इन्हीं न्यूट्रंट्स के बदौलत है। तो ऑर्गेनिज्म फूड इसलिए खाता है ताकि न्यूट्रंट्स हासिल करें, न्यूट्रंट से ये ऑब्टेन एनर्जी करता है, ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए मटेरियल्स उसको चाहे वो न्यूट्रंट से हासिल होते हैं, ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, जो इसके हिस्से जो जिस्म के हैं अगर वो कहीं डैमेज हो जाए तो ये न्यूट्रंट्स उसको फिर से सही करने में मदद देते हैं और अपनी अपने आप को ज़िंदा रखने में जो भी प्रोसेस, जो भी काम होते हैं सेल्स में, जिस्म में, उनके लिए न्यूट्रंट ज़रूरी हैं। न्यूट्रंट्स जो होते हैं, न्यूट्रंट्स पांच तरह के हैं। एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो न्यूट्रंट्स हैं वो पांच किस्म के हैं। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रंट है। दूसरा न्यूट्रंट फैट है और तीसरा न्यूट्रंट प्रोटीन है और चौथा न्यूट्रंट विटामिन है और पांचवा न्यूट्रंट मिनरल है और इसके साथ वाटर भी एक न्यूट्रंट की तरह ही काम करता है। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो फूड वो खाता है उससे वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर हासिल करता है। ये न्यूट्रंट्स हैं, यही न्यूट्रंट्स उसकी उसके अंदर यानी जानदार के अंदर जो भी काम होते हैं, जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए मदद देते हैं। ये एनर्जी भी देते हैं, ये बॉडी को रिपेयर भी करते हैं, सेल्स को रिपेयर भी करते हैं और ये ग्रोथ में भी मदद देते हैं और ये एक इंसान की एक एक जानदार की आबादी बढ़ाने में यानी रिप्रोडक्शन में भी मदद देते हैं। तो न्यूट्रंट्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर आते हैं। फूड जो है इसको एनिमल्स खाते हैं। जो भी गजा है जब एनिमल इसको खाता है तो वो इसको खा के अपने जिस्म में डाइजेस्ट करता है, हजम कर लेता है। ये डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको वो ब्रेक डाउन होते हैं यानी टूट जाते हैं सिंपल कंपोनेंट्स में, यानी ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन जो है ये breakdown of complex components of food into simpler substances, यानी digestion जो है एक जानदार गजा खाता है फिर उसको digest करता है, यानी उसकी उसके जिस्म में एक ऐसी सलाहियत होती है कि वो उस गजा को जो complex form में होता है उसको, मुरक्कब form में होता है उसको simple substances में तब्दील करता है ताकि वो जिस्म में इस्तेमाल हो सके। वो डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो भी जानदार गजा खाता है वो उसको डाइजेस्ट करके फिर इस्तेमाल करता है क्योंकि गजा में कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता बल्कि उनको पहले वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में चेंज करता है, तोड़ता है फिर इस्तेमाल करता है। मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड। अब हम पढ़ेंगे कि गजा जो हम अंदर लेते हैं यानी मोड ऑफ टेकिंग जो फूड है,
इनटेक यानी अंदर जो हम गिज़ा लेते हैं उसके बहुत सारे मोड्स हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। अगर हम देखें एनिमल्स की, कुछ एनिमल्स की बात करें, जैसे स्नेल एक एनिमल है, एंट एक एनिमल है, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई। अगर हम देखें स्नेल की बात करें तो ये जो गज़ा खाते हैं ये जानवर, ये एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है तो ये घास खाता है, तो ये घास को च्यू करके खाता है, ये इसका मोड ऑफ फीडिंग हो गया है। इस तरह एंट एक इंसेक्ट है, वो स्क्रैप करके, खरोच खरोच करके किसी चीज़ को खाता है, उसको स्क्रैपिंग कहते हैं। इस तरह ईगल है, ईगल गोश्त खाती है किसी दूसरे जानवर का, वो उसको पहले पंजों के नीचे रख के फिर अपनी बीक से उसको स्वैलो काट के, नोच के स्वैलो कर जाती है। हमिंग बर्ड एक छोटी सी बर्ड है, वो फूलों का रस पीती है, नेक्टर पीती है, वो सक करके पीती है। इसी तरह लाइस एक जू जो होती है वो हमारे बालों में होती है, ब्लड, वो ब्लड पीती है, उसको भी वो सक करके पीती है। तो ये इसमें मोड ऑफ फीडिंग हो गया। इस तरह मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो जो वो भी ब्लड खाता है, वो भी सक करके ब्लड खाता है। बटरफ्लाई है, वो नेक्टर खाती है, नेक्टर जो फूलों में जो रस होता है वही खाती है, उसको सक करके खाती है। इस तरह हाउस फ्लाई जो होते हैं वो डिकिंग मैटर, जो भी गंदे चीज होते हैं जो डिके होते हैं, खराब हो जाते हैं, रॉटन होते हैं, उनको ब्रीविंग करके खाती है, यानी उनको वो चूस करके खाती है। तो यह है मोड ऑफ फीडिंग कुछ एनिमल्स में। तो ओवरऑल जो सब ये फूड जो ये खाते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं खाने के लिए। जैसे एक इंसान है वो अपने हैंड से खा के, दांतों से चबा के गज़ा खाता है, लेकिन जो यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दी है कुछ जानदारों की, कुछ एनिमल्स की, ये है साइड में टेबल में लिखा हुआ है कि मोड्स, आप उनमें कौन से मोड्स है फीडिंग के, वो आप देख सकते हैं। चिविंग है, स्क्रैपिंग है, स्वॉलविंग है, सकिंग है एंड ब्रीविंग है। आप बहुत सारे जानदार जो अपने आसपास देखते हैं उनमें देख सकते हैं वो कैसे गज़ा खाते हैं। जैसे अगर हम काऊ लेंगे तो वो ग्रेज करके गज़ा खाती है। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं हमारे पास। अगर हम देखेंगे एक एक फिश होती है स्टार फिश, वो समंदर में पाई जाती है। उसका जो साइड का जो उस जो उसकी बॉडी होती है वो एक हार्ड शेल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। जब वो शेल ओपन करती है तो शेल से उसका जो स्टोमक है वो बाहर आ जाता है, यानी जिसको हम मैदा कहते हैं, मैदा बाहर आ जाता है, उसका स्टोमक बाहर आ जाता है, और किसी जो उसके आसपास कोई चीज़ हो, खाने की कोई चीज़ हो, कोई प्लांट हो या कोई एनिमल हो, तो वो डायरेक्ट उस स्टोमक से जो उसके माउथ से बाहर आ जाता है, खा जाती है, फिर अंदर स्टोमक अंदर जाता है शेल में। तो ये भी एक तरीका है एनिमल्स में, यानी ये एक अमेजिंग फैक्ट्स में, यानी एक अजीब किस्म का एक खाने का तरीका है जो स्टार फिश में। तस्वीर में आप देख सकते हैं स्टार फिश, वहाँ बीच में दिखाया गया है कि उसका जो स्टोमक बाहर आता है और वो अपने जो प्रे है, जिसको वो खाती है, अपने जिस जानवर वो को वो खाती है, वो जानवर को वो निगल लेती है, लेकिन उसका स्टोमक ही बाहर आ जाता है जो उस जानवर को या उस एनिमल या ग्रास को कुछ हो जो वो खा सके, उसको वो डायरेक्ट स्टोमक में लेती है, फिर वहाँ पे डाइजेस्ट करती है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स करें, तो क्लासिफिकेशन अगर हम करें, अगर हम एनिमल्स को हम बांटें खाने के तरीकों के हिसाब से, तो उसमें सबसे पहले आते हैं हर्बीवर्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ घास खाते हों, यानी घास खाने वाले एनिमल्स को हर्बीवर्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल काउ है, गोट है और शीप है। और दूसरा है कॉर्निवर्स। कॉर्निवर्स वो जानदार है, वो जानवर है जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, जैसे एनिमल्स जो गोश्त खाती हैं, यानी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। उसमें एग्जांपल है लाइन है, उसमें एग्जांपल लिजर्ड है, ये सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, ये घास वगैरह नहीं खाते हैं, इनको कार्निवोर्स कहते हैं। और एक कैटेगरी है ओमनीवर्स।
ओमनीवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कभी कुबार तो कभी कुबार यानी एनिमल्स को ही खा जाते हैं, गोश्त खाते हैं, और कभी कुबार वो एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं, यानी प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं या प्लांट्स को भी खाते हैं, उनको ओमनीवर्स कहते हैं। जैसे अगर हम देखें बियर है हमारे पास एक एग्जांपल, बालू बालू घास भी खाता है यानी प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है, और वो किसी जानदार का शिकार करके भी उसको भी खाता है। और ह्यूमन जो इंसान है वो भी ओमनीवोर्स है, क्योंकि हम गोश्त भी खाते हैं, हम सब्जी भी खाते हैं, तो या प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, हम ओमनीवोर्स में। और एक टाइप ऑफ एनिमल्स है ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स के, अगर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें और एक किस्म के एनिमल्स हैं, वो उनको पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट्स दूसरे जानदारों जो जानवर है, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जिस्मों पर रह के उनसे वो गजा हासिल करते हैं, या उन एनिमल्स पर रहते हैं या उन एनिमल्स में रहते हैं। एनिमल्स दैट गेट फूड बाय लिविंग इनसाइड, या अंदर वो रहते हैं या आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल लाइस है एक एग्जाम्पल, जू जो होती है वो बालों में होती है, वो इंसान का जो खून है वही पीती है, तो वो सक करके पीती है, तो वो उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। इस तरह टैपवर्म है, टैपवर्म इंसान के इंस्टाइनल में रहता है, तो ये भी ये एक पैरासाइट। जैसे हमने पैरासाइट्स प्लांट्स में पढ़ी है, जैसे कसकट्टा है या विस्कम है, वो प्लांट्स पे पैरासाइट्स होती है, इस तरह एनिमल्स में भी पैरासाइट्स होते हैं। और एक किस्म किस्म के जो जानदार होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके ईटिंग हैबिट्स जो होते हैं, उनके ईटिंग हैबिट्स जो होते हैं, उस जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो और एक किस्म के जानवर हैं जो सिर्फ मुर्दा जानवरों को खाते हैं, डेड बॉडीज़ को खाते हैं, उनको हम स्केवेंजर्स कहते हैं। जो स्केवेंजर्स में जैसे वल्चर है यानी गिद्ध जिसको हम कहते हैं, और जैकाल है या फॉक्स है वगैरह, ये मुर्दा जानवरों को खाते हैं, इनको स्केवेंजर्स कहते हैं। तो हमारे पास फूड ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से हमारे पास पांच किस्म के जानदार हैं। हर्बीवोर्स, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, कॉर्निवोर्स, एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, ओमनीवोर्स, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, जो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। पैरासाइट्स जो एनिमल्स दैट गेट देयर फूड बाय लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। स्केवेंजर्स, एनिमल्स विच फीड ऑन डेड बॉडीज, तो इनको इनको हम स्केवेंजर्स कहते हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट हैबिट्स ऑफ सॉरी हैबिट्स ऑफ ईटिंग ईटिंग फूड। तो ये पांच किस्म के जानदार, ये पांच किस्म किस्म के जानवर होते हैं खाने के आदात के हिसाब से, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स एंड स्केवेंजर्स। तो इस तरह से ये आज का जो ये टॉपिक, पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ।